हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीक टू के बारे में डीबीएमएस का, ठीक है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। बेसिकली पूरा थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स होगा, ठीक है, जिसको जो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड फॉर अ डिस्क्लेमर, इसमें कोई कोडिंग पार्ट नहीं है, ओके। हम सारा कुछ थियोरेटिकल पढ़ेंगे, ऑल द क्वेरीज एंड सब कुछ, क्वेरीज को कैसे हमें बनाना है, क्या करना है, ये सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। सो जो वीक टू है, ठीक है, इसमें हमारा स्टार्ट हो जाता है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसमें हमने थोड़ा सा हिस्ट्री एंड थोड़ा सा आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। नाउ हम पढ़ने वाले क्या, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, क्वेरीज कैसे लिखनी, ठीक है। सो ओवरव्यू ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है। तो एसक्यूएल लैंग्वेज जो है उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। जिसमें एक है क्या, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज DDL। दूसरा क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो DDL जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसका यूज करके बेसिकली हम क्या करते हैं, डिफाइनिंग रिलेशन स्कीमा, डिलीटिंग रिलेशन, मॉडिफाइंग रिलेशन, ये सारी चीजें बेसिकली स्कीमास का टोटल डेफिनेशन एंड मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या करते हैं, द एसक्यूएल DML प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्वेरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, टू इंसर्ट टपल्स इनटू इट, डिलीट टपल्स फ्रॉम एंड मॉडिफाई टपल्स इन द डेटाबेस। तो DML जैसे कि नाम है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा कुछ पार्ट्स हैं जिसमें इंटीग्रिटी होता है। तो इंटीग्रिटी क्या है, द एसक्यूएल DDL इंक्लूड्स कमांड फॉर स्पेसिफाइंग इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट दैट इज स्टोर इन डेटा बेस मस्ट सेटिस्फाई। तो बेसिकली क्या कहने चाह रहा है कि जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको हमें देखना पड़ता है, ठीक है। अपडेट्स दैट वायलेट इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट आर डिसअलाउड, ठीक है। तो एसक्यूएल में हमें इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट को अपडेट करना बेसिकली वो रहता है, ठीक है, अपडेट दैट वायलेट्स इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, ओके। फिर व्यू डेफिनेशन, हम डेफिनेशन देख सकते हैं ना कि कैसे हमने डेटाबेस को डिफाइन कराया, देन ट्रांजेक्शन कंट्रोल होता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल के बारे में कभी पढ़ेंगे डिटेल में। देन होता है एम्बेडेड एसक्यूएल एंड डायनेमिक एसक्यूएल, दो तरह के एसक्यूएल होते हैं, एम्बेडेड एंड डायनेमिक एसक्यूएल। क्या कहता है, डिफाइन हाउ एसक्यूएल स्टेटमेंट कैन बी एम्बेडेड विद जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली अगर कहा जाए तो फ्लास्क के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं, जेंगो के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, या जावास्क्रिप्ट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये चीज है, ठीक है, एम्बेडिंग्स। एंड एक और क्या है, ऑथोराइजेशन। तो एसक्यूएल DDL इंक्लूड्स कमांड्स फॉर स्पेसिफाइंग एक्सेस राइट टू रिलेशन एंड व्यूज, ठीक है। तो ऑथराइजेशन भी एक एस्पेक्ट है। नाउ मेन जो हम फोकस करेंगे DDL एंड DML ज्यादातर चीजें, ठीक है, एंड देन अपना व्यू आ जाता है, एंड देन ट्रांजेक्शन कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। तो SQL डेफिनेशन की बात करते हैं, द सेट ऑफ रिलेशन इन डेटाबेस मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय द मीन्स ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो जो हम डेटाबेस के अंदर जितने भी रिलेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, थीके? वो हमारा कुछ DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर ही डिफाइन होना चाहिए बाय द स्पेसिफाइड टू द सिस्टम बाय मींस ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके। द SQL DDL अलाउड स्पेसिफिकेशन ऑफ नॉट ओनली अ सेट रिलेशन बट ऑल्सो इंफॉर्मेशन अबाउट ईच रिलेशन, ठीक है, हर एक रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन भी बताता है, ना कि सिर्फ रिलेशन को डिफाइन करना, जैसे कि स्कीमा फॉर ईच रिलेशन, द टाइप ऑफ वैल्यूज एसोसिएटेड विथ ईच एट्रीब्यूट, है ना, एट्रीब्यूट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ये सब पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट हो गया, द सेट ऑफ इंडेक्सेस टू बी मेंटेन फॉर ईच रिलेशन, है ना, सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन हो गया, फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ ईच रिलेशन ऑन डिस्क, कैसे स्टोर होगा डिस्क पे हर एक रिलेशन। तो ये सारी चीजें हमारा SQL डेटा डेफिनेशन बताते हैं, DDL बताता है, ओके। और इसमें एक और चीज़ मैं बता देना चाहूँ कि इस नोट्स में ना जो मैं जिस चीज़ का यूज करके मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, जो लाइक मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो चीज़ें पढ़ने के लिए, तो ये नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ डोमेन्स इन SQL, डोमेन टाइप्स, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डोमेन्स क्या होते हैं, राइट। तो डोमेन्स क्या है, द SQL स्टैंडर्ड सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ बिल्ट इन टाइप्स, ठीक है, जैसे कि कैरेक्टर हो गया, वेरकैर हो गया, इंट हो गया, स्मॉल इंट, न्यूमेरिक, रियल, डबल, प्रिसीजन एंड फ्लोट, ये सारी चीजें हैं। आप बेसिकली पॉज करके रीड कर सकते कि ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, बाकी डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में ये बात कर रखा है,
ओके नाउ बेसिक स्कीमा डेफिनेशन, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, डीडीएल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डीडीएल में हाउ वी डिफाइन, तो वी डिफाइन एन एसक्यूएल रिलेशन बाय यूजिंग द क्रिएट टेबल कमांड। हम किस चीज का यूज करते हैं, क्रिएट टेबल कमांड का। तो कमांड कैसा दिखता है, तो ऐसा कुछ क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, ठीक है। नाउ एट्रीब्यूट उसका डोमेन है ना, तो डिपार्टमेंट नेम और उसका वेयर केयर, बिल्डिंग नेम, बिल्डिंग और वेयर केयर है ना, बजट न्यूमेरिक हो गया 12 और 2 हो क्या, मतलब राउंडेड अप टू 2 डेसिमल, राइट। प्राइमरी की क्या है, डिपार्टमेंट नेम। तो ऐसे करके हम बेसिकली डेफिनेशन क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट टेबल का यूज करके हम बेसिकली क्या करते हैं, स्कीमा को डिफाइन करते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ क्रिएट टेबल कमांड इज क्रिएट ए रिलेशन आर है ना, क्रिएट टेबल आर, राइट। यहाँ पे ए वन एट्रीब्यूट वन है ना और डोमेन वन, ए टू एट्रीब्यूट टू एंड डोमेन टू है ना, ए थ्री वो सब सो ऑन, एंड देन जो ये आता है हमारा इंटीग्रेटेड कॉन्स्टेंट की कैसे इंटीग्रेटेड है सब चीजें, राइट। तो प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक की, राइट, जिसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी रिकॉर्ड को। अ न्यूली क्रिएटेड रिलेशन इज एम्प्टी इनिशियली, तो जब भी हम क्रिएट टेबल कमांड रन करते हैं तो जो भी एक टेबल बनता है, एक स्कीमा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए इनिशियली वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, राइट। तो वी यूज इंसर्ट कमांड टू लोड डेटा इन द रिलेशन, तो अब हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर में जो एम्प्टी है उसमें कुछ डेटा अगर फीड करना है, क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया, अब डेफिनेशन के अंदर डेफिनेशन के रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, राइट। तो एग्जाम्पल्स को हम क्या करेंगे, उसमें इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट कमांड को, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी विश टू इंसर्ट द फैक्ट दैट देयर इज एन इंस्ट्रक्टर नेम स्मिथ इन बायोलॉजी डिपार्टमेंट विथ इंस्ट्रक्टर आईडी इतना एंड सैलरी इतना, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्ट इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्टर, तो मैंने एक लेट्स से इंसर्ट यहाँ पर डिपार्टमेंट जैसे टेबल है वैसे एक इंस्ट्रक्टर टेबल बनाया है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर टेबल में क्या करेंगे, हम वैल्यूज लेंगे, दैट इज इंस्ट्रक्टर आईडी हो गया, नेम हो गया, सब्जेक्ट हो गया एंड सैलरी, ठीक है। द वैल्यू आर स्पेसिफाइड इन ऑर्डर इन विच द करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स आर लिस्टेड इन द रिलेशन की स्कीमा, तो जिस ऑर्डर में हम लिस्ट करेंगे उसी ऑर्डर में वो क्या करेगा, उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, राइट। द वैल्यूज आर स्पेसिफाइड इन ऑर्डर इन विच द करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स आर लिस्टेड, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं क्रिएट टेबल के, जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करने के लिए हो गया, ठीक है। तुम्हारा कोर्स टेबल हो गया जिसके अंदर क्या है, फॉरेन की आ गया, राइट। इंस्ट्रक्टर टेबल देख लो, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, प्राइमरी की एंड फॉरेन की हो गया, डिपार्टमेंट के साथ फॉरेन की है, ठीक है। देन सेक्शन हो गया, सेक्शन एक तुम्हारा टेबल हो गया, राइट, क्रिएट टेबल सेक्शन जिसमें प्राइमरी की है, तो यहाँ पे देख सकते हो तीन तीन प्राइमरी कीज हैं, राइट। एंड देन फॉरेन की है जो कोर्स के साथ कर रहा है, कोर्स यहाँ पे है, ठीक है। एंड देन एक टीचर, ठीक है, टीचर्स करके तो बेसिकली कौन सा इंस्ट्रक्टर क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो वो एक है जिसके अंदर प्राइमरी की है, फॉरेन की है, फॉरेन की है, राइट। नाउ टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम ए एसक्यूएल डेटाबेस, हमने क्या करा, हमने डिफाइन करा, हमने इंसर्ट किया, अगर मेरे को रिमूव करना है किसी टेबल स्कीमा को, डेटाबेस डेफिनेशन को, वी यूज ड्रॉप टेबल कमांड, ठीक है। तो ड्रॉप टेबल कमांड डिलीट्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रॉप्ड रिलेशन फ्रॉम द डेटाबेस, द कमांड इज ड्रॉप टेबल आर, यहाँ पे आर क्या है, रिलेशन है, तो इज अ मोर ड्रास्टिक एक्शन देन डिलीट फ्रॉम आर, तो बेसिकली ड्रॉप टेबल आर और डिलीट फ्रॉम आर, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ड्रॉप टेबल आर क्या करेगा, पूरा का पूरा रिलेशन को ही डिलीट कर देगा विथ ऑल हिज रिकॉर्ड्स, और डिलीट फ्रॉम आर करेंगे तो ऑल रिकॉर्ड्स डिलीट करेगा लेकिन उस रिलेशन को डिलीट नहीं करेगा। द फॉर्मर डिलीट ओनली डिलीट्स नॉट ओनली द टपल्स ऑफ आर बट स्कीमा ऑफ आर, तो ये जो ड्रॉप टेबल है सिर्फ ट्यूपल्स को डिलीट नहीं करता बल्कि पूरे स्कीमा को डिलीट कर देता है, जबकि डिलीट फ्रॉम आर लेटर रिटेन्स रिलेशन आर बट डिलीट्स ऑल द टपल्स इन आर, ठीक है। तो ये चीज दो कमांड से, ड्रॉप टेबल आर एंड डिलीट फ्रॉम आर, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं बोरिंग नहीं होने दूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। नो टपल्स कैन बी इंसर्टेड इन टू आर अनलेस इट इज रिक्रिएटेड विथ क्रिएट टेबल कमांड, तो अगर एक बार डिलीट टेबल आर लगा दिया हमने तो उसके बाद जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे उसको दोबारा से, हम उसके अंदर कोई डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वी यूज अल्टर टेबल कमांड टू एट्रीब्यूट एड एट्रीब्यूट इन एन एग्जिस्टिंग रिलेशन, तो ऑलरेडी कोई रिलेशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, लेट्स से इंस्ट्रक्टर एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर मेरे को कोई डेटा एड करना है तो मैं अल्टर कमांड का यूज करता हूँ। तो हमने क्या किया, डिफाइन कैसे करते हैं वो पता चल गया, इंसर्ट कैसे करते हैं वो पता चल गया, डिलीट कैसे करते हैं वो पता चल गया, एक है क्या, एड अगर करना है
तो भी हम कैसे करेंगे, तो ऑल्टर टेबल का यूज करके हम क्या करते हैं, ऑल ट्यूपल्स इन अ रिलेशन आर असाइंड नल एज द वैल्यू ऑफ न्यू एट्रीब्यूट, द फॉर्म ऑफ ऑल्टर टेबल कमांड इज ये, तो ऑल्टर टेबल आर एड ए एंड डी, ठीक है। तो इसके अंदर लेट्स अ टेबल है, टेबल के अंदर मेरे को क्या करना है, उस डेफिनेशन को चेंज करना है और कुछ नया उसमें अंदर ऐड करना है, लेट्स से इंस्ट्रक्टर में सैलरी वगैरह था उसमें एक एज और ऐड करना है, तो मैं क्या कहूँगा अल्टर टेबल इंस्ट्रक्टर एड एज और एज का डोमेन दे दूंगा कि लाइक इंटीजर है, वेर है, कैर है, क्या है, ठीक है। वेर आर इज द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशन, ए इज द नेम ऑफ एट्रीब्यूट टू बी एडेड एंड डी इज द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट टू बी एडेड, ठीक है। तो इंसर्ट कमांड क्या करता है, डोमेन को इंसर्ट मतलब डेटा को इंसर्ट करता है। ऑल्टर टेबल क्या कर रहा है, ऑल्टर टेबल बेसिकली उस टेबल का जो डेफिनेशन है ना, स्कीमा है, उसको चेंज कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अल्टर टेबल ड्रॉप का भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम कोई टेबल के पर्टिकुलर कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज समझ में आ गई। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज की, बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर्ड कैसा होता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एसक्यूएल क्वेरी कंसिस्ट ऑफ थ्री क्लॉजेस, ठीक है, इनको क्लॉज बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है सेलेक्ट क्लॉज, देन फ्रॉम क्लॉज एंड देन क्या है वेयर क्लॉज। तो ये तीन चीजों का यूज करके बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल फॉर्म होता है, ठीक है। ये तीन क्लॉज बेसिकली मेन है। तो क्वेरीज ऑन ए सिंगल रिलेशन, ठीक है, कि बेसिकली सिंगल रिलेशन जैसे कि जिसमें किसी और के साथ कोई रिलेटेड ना हो, तो उसमें कैसे होते हैं क्वेरीज लिखे जाते हैं। तो लेट अस कंसीडर अ सिंपल क्वेरी यूजिंग आर यूनिवर्सिटी एग्जांपल। यूनिवर्सिटी एग्जांपल जो हमने अभी ऊपर क्रिएट करा था टेबल, उसी वैसा ही एक स्कीमा है पूरा, इसको बोलते हैं स्कीमा डायग्राम, ठीक है। इसको रीड करना थोड़ा सा ईजी है, ठीक है, आगे चल के हम वीक फोर में स्कीमा के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। तो ये जो क्या है मेरा स्कीमा डायग्राम है, जिसमें तुम्हें बेसिकली पता चलता है कि जैसे कि स्टूडेंट है और टेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेक्स का आईडी स्टूडेंट आईडी के साथ क्या है फॉरेन, मतलब फॉरेन की में है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट क्या है मेरा एडवाइजर के साथ है, ट्रेड डिपार्टमेंट के साथ भी है, कोर्स का डिपार्टमेंट नेम तुम्हारे डिपार्टमेंट के साथ है, ऐसे करके सब इंटरलिंक्ड है, राइट। सो कह रहा है कि लेट अस कंसिडर सिंपल क्वेरी दैट फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्कीमा टेबल को देख के हमें क्या करना है, बेसिकली ऑल द नेम ऑफ इंस्ट्रक्टर्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इंस्ट्रक्टर मेरा कहाँ है, तो इंस्ट्रक्टर की टेबल मेरे पास यहाँ है, राइट। तो मेरे को क्या करना है, नेम्स फाइंड करना है, यानी कि ये सेकंड कॉलम। तो मैं क्या कहूंगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, तो मैं टेबल बताऊंगा तो सेलेक्ट है ना, और उसके बाद जो भी सेलेक्ट करना है रिलेशन फ्रॉम, मतलब सेलेक्ट एट्रीब्यूट फ्रॉम रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन था इंस्ट्रक्टर मेरा, एक रिलेशन है उसमें से मैंने नेम एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करा, तो मेरा क्या करेगा ऐसा रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो इंस्ट्रक्टर नेम्स आर फाउंड इन द इंस्ट्रक्टर रिलेशन, ठीक है। सो वी पुट द दैट रिलेशन इन द फॉर्म क्लॉज, द इंस्ट्रक्टर्स नेम अपीयर इन द नेम एट्रीब्यूट, सो वी पुट दैट इन सेलेक्ट क्लॉज। तो बेसिकली जो फॉर्म क्लाउज है, फॉर्म क्लाउज के अंदर क्या हो गया रिलेशन जाएगा हमारा, जैसे हम तीन बताया ना मैंने, तो यहाँ पे फॉर्म क्लाउज के अंदर क्या जाएगा हमारा रिलेशन जाएगा, जो भी रिलेशन है उस वो हमारा फॉर्म क्लाउज के अंदर जाएगा। सेट क्लाउज के अंदर हमारे एट्रीब्यूट जाएंगे, ठीक है, और वेयर के अंदर क्या जाएगा, वेयर के अंदर मेरा कंडीशन जाएगा, ओके। तो ऐसे करके बेसिकली हम स्ट्रक्चर करते हैं क्वेरी को, ठीक है। सेलेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट रहता है, फ्रॉम के अंदर रिलेशन रहता है, एंड वेयर के अंदर क्या होता है हमारा। नाउ कंसीडर अनदर क्वेरी, फाइंड द डिपार्टमेंट नेम्स ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्या कह रहा है कि सारे इंस्ट्रक्टर का मेरे को क्या चाहिए डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो विच कैन बी रिटन एज सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम, मेरे को मतलब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को डिफरेंट नेम्स चाहिए अगर, तो मैं लगाऊंगा एक डिस्टिंक्ट, ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो बेसिकली समझ लो डिस्टिंक्ट मतलब क्या कहता है, रिपीटेड वैल्यूज को नहीं लेता है, ठीक है। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, ओके। तो जब ये करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, ये कुछ टेबल मिलेगा डिपार्टमेंट नेम्स में से। तो यहाँ मेरे को पता है कि इंस्ट्रक्टर रिलेशन है, इंस्ट्रक्टर रिलेशन में से मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो मेरे को सारे डिपार्टमेंट नेम एज अ क्वेरी मिल जाएगा, ठीक है। SQL allows us to use keyword all to specify explicitly that duplicates are not removed, ठीक है। तो अगर लेट्स से मेरे को duplicates रखने हैं, मेरे को remove नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे कि एक instructor है multiple department से belong कर सकता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे बताओ मेरे को, तो मैं क्या कहूँगा select all department name, तो मैं एक all keyword use कर दूंगा, तो जिससे मेरा क्या होगा जो भी duplicates होंगे वो सब भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस ये सब है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्टर्स का है, तो ऐसे करके आ जाए। नाउ सेलेक्ट
क्लाउज मे ऑल्सो कंटेन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, तो जो सेलेक्ट है क्योंकि एट्रीब्यूट से उसके अंदर सेलेक्ट के अंदर आता है राइट, तो उसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो सेलेक्ट आई डी नेम डिपार्टमेंट एंड सैलरी इंटू 1.1, तो जो भी सैलरी है इसका 1.1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा ठीक है, तो ये भी चीज हम यूज कर सकते हैं सेलेक्ट क्लाउज के अंदर। सो रिजल्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हु हैव सैलरी ग्रेटर देन $70,000 ठीक है, तो ये निकालने तो हम क्या करेंगे सेलेक्ट नेम, क्योंकि एट्रीब्यूट मेरा नेम है जो सेलेक्ट करना है, यहां पे बोल रहा है राइट नेम सेलेक्ट करना है, कहां से सेलेक्ट करना है फ्रॉम ऑल इंस्ट्रक्टर, तो इंस्ट्रक्टर देन वेयर क्या है इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, तो वेयर डिपार्टमेंट नेम इज कंप्यूटर साइंस एंड हु हैज सैलरी ग्रेटर देन $70,000, तो सैलरी ग्रेटर देन 70,000, तो जब ये करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा ठीक है, तो मतलब कि अरिथमेटिक भी हम कर सकते हैं ठीक है। नाउ ये तो था सिंगल रिलेशन पे क्वेरी राइट, नाउ अगर मेरे पास क्वेरी हो मल्टीपल रिलेशन से, यानी कि मेरे को डेटा फेच करना है मल्टीपल टेबल्स से ठीक है, एन एग्जाम्पल सपोज वी वॉन्ट टू आंसर द क्वेरी रिट्रीव द नेम्स ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर अलॉन्ग विथ देयर डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट बिल्डिंग नेम ओके, तो लेट्स से हमारे पास ये स्कीमा है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इंस्ट्रक्टर नेम तो मेरा यहाँ इंस्ट्रक्टर में है ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट का मेरा अलग टेबल है जिसके अंदर डिपार्टमेंट नेम है एंड डिपार्टमेंट बिल्डिंग है ठीक है, तो लुक एट द स्कीमा ऑफ रिलेशन स्ट्रक्चर द डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम द एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट नेम बट द डिपार्टमेंट बिल्डिंग नेम इज प्रेजेंट इन एट्रीब्यूट बिल्डिंग ऑफ द रिलेशन डिपार्टमेंट, तो बेसिकली बिल्डिंग में मेरा डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नेम है और इंस्ट्रक्टर में मेरा आई डी एंड डिपार्टमेंट दोनों चीज है नेम भी है ठीक है, तो अगर मेरे को ये आंसर करना है रिट्रीव द नेम्स ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्टर अलॉन्ग विथ द डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट बिल्डिंग, तो मेरे को क्या करना होगा इन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशन होना, यानी कि इंस्ट्रक्टर एंड डिपार्टमेंट के बीच में रिलेशन बनाना होगा ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं इन SQL टू आंसर द अबव क्वेरी बी लिस्ट द रिलेशन दैट नीड टू बी एक्सेस इन द फॉर्म क्लाउज ठीक है एंड स्पेसिफाई द मैचिंग कंडीशन इन द वेयर क्लाउज, तो हम फॉर्म क्लाउज में उन दोनों जो टेबल के बीच में रिलेट करना है मेरे को टेबल्स को यूज करते हैं एंड वेयर क्लाउज में क्या करते हैं उसके कंडीशंस को लिखते हैं, तो जैसे कि यहां पे क्वेरी है सेलेक्ट नेम इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट नेम एंड बिल्डिंग, इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट नेम क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट में भी डिपार्टमेंट नेम है इंस्ट्रक्टर में भी डिपार्टमेंट नेम है, मेरे को चाहिए इंस्ट्रक्टर का डिपार्टमेंट नेम, तो इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट नेम करेंगे ठीक है, फ्रॉम कहां से इंस्ट्रक्टर एंड डिपार्टमेंट, दो टेबल है इंस्ट्रक्टर एंड डिपार्टमेंट और दोनों में कंडीशन क्या है कि इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट नेम शुड बी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम ठीक है, तो दोनों का डिपार्टमेंट नेम मैच होना चाहिए, तो जब ये करेंगे तो मेरे को कुछ ये टेबल मिलेगा जिसके अंदर मेरा नेम होगा डिपार्टमेंट नेम होगा एंड बिल्डिंग होगा ओके। नाउ वी नाउ कंसिडर द जनरल केस ऑफ क्वेरी इन्वॉल्विंग मल्टीपल रिलेशन, एज वी हैव सीन अर्लियर एन एसक्यूएल क्वेरी कैन कंटेन थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउज द सेलेक्ट क्लाउज द फॉर्म क्लाउज एंड द वेयर क्लाउज, द रोल ऑफ Each clause is as follows. तीनों का क्या रोल है, तो select clause is used to list the attribute desired in the result of a query. Form clause is the list of relation to be accessed in the evaluation of query. And where clause is the predicate involving attributes of relation in the form clause. तो basically select clause में attributes लिखते हैं, form clause में हम क्या लिखते हैं relations लिखते हैं, जो जो कम जिस जिस relation को मेरे को access करना है and where clause में उसी का predicate लिखते हैं कि basically कैसे access होगा, कैसे वो दोनों आपस में connected है। A typical query has form select A1, A2, A3 from R1, R2, R3 where P, यहाँ P क्या है? Again predicate है जो true होना चाहिए। Although the clauses must be written in order select from and where, हम हमेशा लिख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे अगर query देखो select from where है ना, ऐसे करके order में लिख रहे हैं। The easiest way to understand the operation specified by the query is to consider the clauses in operational order, that is पहले from then where and then select, तो अगर हम यहाँ पे ये क्वेरी अगर देखें तो हम सबसे पहले कहेंगे फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एंड डिपार्टमेंट, अगर मेरे को रीड करना है अंडरस्टैंड करने के लिए तो फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एंड डिपार्टमेंट वेयर इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट नेम सेलेक्ट नेम इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट एंड इन बिल्डिंग, तो ऐसे करके हम बेसिकली इसको रीड करेंगे, यानी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एंड डिपार्टमेंट वेयर इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम ठीक है, वहां से हमें सेलेक्ट क्या करना है नेम इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट नेम एंड बिल्डिंग ठीक है, ऐसे करके करोगे तो ईजी पड़ेगा। द फॉर्म क्लाउज बाई इट्सेल्फ डिफाइन अ कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन, तो जैसे ही हम करते हैं फ्रॉम, जैसे यहां पर हमने कहा कि क्या फ्रॉम
इंस्ट्रक्टर एंड डिपार्टमेंट, तो जैसे हम फ्रॉम कहते हैं तो ये क्या कर देता है, आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट पता ही है, सेट थ्योरी में पढ़ चुके हो राइट, तो वो कर देता है ठीक है। लिस्टेड इन द क्लाउड, इट इज डिफाइंड फॉर्मली इन द टर्म ऑफ सेट थ्योरी। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहां से आया था, सेट थ्योरी से, बट इट परहैप बेस्ट अंडरस्टूड एज इटरेटिव प्रोसेस दैट जनरेट्स ट्यूपल्स फ्रॉम द रिजल्ट रिलेशन ऑफ द फॉर्म क्लाउज। तो बेसिकली क्या करता है, अगर तुम एक प्रोसेस के रूप में समझो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करता है, तो क्या कहता है, फॉर ईच टपल टी वन इन रिलेशन आर वन, ऐसे फॉर ईच टपल टू इन रिलेशन आर टू, अप टू सॉ टपल टी एम इन रिलेशन आर एम, कॉनकैटेनेट टी वन टी टू टी एम इन टू अ सिंगल टिपल टी, एड टी इन टू अ रिलेशन, ठीक है, रिजल्ट रिलेशन। तो बेसिकली ये सबको कॉनकैटेनेट करके मेरे को दे देता है। The result relation has all attributes from all relation in the form clause. तो जब कार्टिजियन प्रोडक्ट होता है तो उसमें दोनों लिस्टेड दो टेबल का कार्टिजियन प्रोडक्ट करे तो उसके अंदर दोनों के ही सारे एट्रीब्यूट होंगे ओके। सिंस द नेम सेम एट्रीब्यूट नेम मे बी अपेयर इन बोथ आर आई एंड आर जे, लेट्स से कि जैसे अभी था ना कि इंस्ट्रक्टर में डिपार्टमेंट नेम है और डिपार्टमेंट नेम में भी डिपार्टमेंट नेम है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार क्या है कि दो या तीन टेबल्स में नेम्स सिमिलर आ जाए, तो जब नेम सिमिलर आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स यूज कर देते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट ठीक है, तो ऐसे करके हम नेम यूज कर लेते हैं ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द रिलेशन स्कीमा फॉर कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन इंस्ट्रक्टर एंड टीचर इज, तो इंस्ट्रक्टर एंड टीचर का जो कार्टिजियन प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा होगा कि इंस्ट्रक्टर डॉट आई डी होगा, इंस्ट्रक्टर नेम होगा, इंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट होगा, इंस्ट्रक्टर सैलरी होगा, देन टीचर आई डी होगा, टीचर कोर्स होगा, टीचर सेक्शन आई डी होगा, टीचर सेमेस्टर होगा, टीचर ईयर होगा, ये सारे होंगे कार्टिजियन प्रोडक्ट में ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो आई डी ही एक ऐसा है जो सेम है राइट, तो विद दिस स्कीमा वी कैन डिस्टिंग्विश इंस्ट्रक्टर आई डी फ्रॉम टीचर आई डी ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीजें तो हम ऐसे इंडिस्टिंग्विश कर सकते हैं ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो बेसिकली मेन चीज है वो क्या है, इंस्ट्रक्टर डॉट आई डी, उसके बाद नेम डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी, उसके बाद टीचर डॉट आई डी, देन कोर्स सेक्शन आई डी सेमेस्टर ईयर ठीक है। तो जो सेम है बस उसमें क्या कर दो, प्रीफिक्स ऐड कर दो, जैसे कि ये हमारा इंस्ट्रक्टर है, ये टीचर है ठीक है, ये सारे उसके वो है, तो जब दोनों का कार्टिजियन प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये बनेगा, जिसके अंदर क्या होगा, इंस्ट्रक्टर डॉट आई डी हो गया यहाँ पे, टीचर डॉट आई डी हो गया, बाकी ये सारे यहाँ पे है और बाकी ये सारे यहाँ पे ठीक है। तो ऐसे करके हम बेसिकली जनरेट करते हैं कार्टिजियन प्रोडक्ट। तो कार्टिजियन प्रोडक्ट समझ में आ गया, और इसमें हर एक चीज होगा वो आपस में इंक्लूडेड होगा। तो श्रीनिवासन एक पूरा रिकॉर्ड है ठीक है, और श्रीनिवासन के साथ ये पूरे के पूरे ये इधर ऐसे ऐसे कंटिन्यू है ठीक है, यानी इसका रिलेशन हर एक के साथ वो किया है। तो बेसिकली एक समझो मैट्रिक्स प्रोडक्ट का है ठीक है, इसका इन पूरे के साथ मतलब डॉट प्रोडक्ट के टाइप ठीक है। इफ वी यूज इफ वी ओनली विश टू फाइंड इंस्ट्रक्टर नेम एंड कोर्स आइडेंटिफायर्स फॉर इंस्ट्रक्टर्स इन द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, वी कुड यूज एंड एड एन एक्स्ट्रा प्रेडिकेट टू वेयर क्लाउज ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अगर मेरे पास दो कंडीशन जिससे मेरे को आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि क्या है कि टीचर आई डी दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब आई डी दोनों का सेम होना चाहिए, एंड डिपार्टमेंट नेम क्या होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए ठीक है। तो हम वो भी कर सकते हैं वेयर क्लाउज में, यानी कि फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एंड टीचर, वेयर इंस्ट्रक्टर आई डी इक्वल्स टू टीचर्स आई डी एंड इंस्ट्रक्टर नेम का इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट नेम इज कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट नेम एंड कोर्स, तो ये करेंगे ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो हमने क्या करा, दो दो रिलेशन यूज कर लिया वेयर क्लाउज। नाउ बात करते हैं नेचुरल जॉइन पे ठीक है। इन आवर एग्जांपल क्वेरी दैट कंबाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एंड टीचर टेबल, दोनों टेबल का हमने जो कंबाइंड करा, द मैचिंग कंडीशन रिक्वायर्ड इन इंस्ट्रक्टर आई डी एंड टीचर आई डी टू बी इक्वल, ये दोनों मैचिंग कंडीशन हो चाहिए। देयर आर द ओनली एट्रीब्यूट्स इन टू रिलेशन दैट हैव सेम नेम है ना, नेचुरल जॉइंट्स ऑपरेशन ऑपरेट्स ऑन टू रिलेशन एंड प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट रिलेशन एज अ रिजल्ट, अनलाइक द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशन विच कॉन्केटिनेट्स ईच टपल ऑफ फर्स्ट रिलेशन विच एवरी टपल ऑफ सेकेंड रिलेशन, नेचुरल जॉइंट्स कंसिडर ओनली दोज पेयर ऑफ टपल्स विद द सेम वैल्यू ऑन दोज एट्रीब्यूट दैट अपियर इन स्कीमा फॉर बोथ रिलेशन। तो बेसिकली क्या करता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे कि मैंने बताया कि हर एक को ऐड कर दिया, श्रीनिवासन है तो इसके साथ इसको भी ऐड करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, हर एक के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा। बट नेचुरल जॉइन में क्या होता है कि लेट्स से आईडी ये है और यही आईडी यहां पे भी है, तो सिर्फ इन दोनों रिकॉर्ड्स को जोड़ देगा ठीक है, ये नहीं कि इसके साथ इसको भी जोड़ेगा, इसको भी जोड़ेगा, इसको भी जोड़ेगा, ना, जो सिर्फ ये है ना सिर्फ इसको जोड़ेगा, ये नेचुरल जॉइन करता है। तो इससे क्या होगा कि मेरी
जो मेमोरी है वो कम यूज होगी जब नेचुरल ज्वाइन यूज करूंगा रादर देन क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज है। सो कंसिडर द क्वेरी फॉर और ऑल इंस्ट्रक्टर इन द यूनिवर्सिटी हु हैव टॉट सम कोर्स, ठीक है, फाइंड देयर नेम्स एंड कोर्स आईडी ऑफ ऑल कोर्सेज दैट आउट, ठीक है। तो बेसिकली सारे कोर्सेज में, तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे तो हम ऐसा लिखेंगे सिलेक्ट नेम एंड कोर्स आईडी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एंड टीचर्स वेयर इंस्ट्रक्टर आईडी इक्वल्स टू टीचर आईडी, जो इंस्ट्रक्टर आईडी हो टीचर आईडी हो तो इन दोनों का। तो ये क्या करेगा, पहले इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक बहुत बड़ी वो बनेगी टेबल बनेगी और उसमें से अब ये छाटेगा और उसके बाद ये निकाल करेगा। बट इंस्ट्रक्टर अगर हम नेचुरल ज्वाइन यूज करें यानी सिलेक्ट नेम एंड कोर्स आईडी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर और नेचुरल ज्वाइन किया टीचर पे, तो उन दोनों को बेसिकली क्या करेगा, ऑलरेडी ये कंडीशन के साथ ही वो ज्वाइन करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा टेबल बनाएगा, ये सिर्फ उसी टेबल को उस टेबल के साथ जोड़ेगा जिसमें कंडीशन मैच हो रही है, ठीक है। तो वो करके उसके बाद नेम एंड कोर्स आईडी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर क्लाउज से बच गए, गुड। तो ये जो चीज हुआ, आप देखो यहाँ पे श्रीनिवासन के साथ ये हुआ, ये मिला, तीन ही मिला, राइट। तो ऐसे करके हम बच जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेमोरी कम यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी विश टू आंसर द क्वेरी लिस्ट द नेम ऑफ इंस्ट्रक्टर अलॉन्ग विद द टाइटल ऑफ द कोर्स दे टीच। नेम एंड टाइटल दोनों चाहिए, तो नेम एंड टाइटल फ्रॉम इंस्ट्रक्टर नेचुरल ज्वाइन टीचर एंड कोर्स, ठीक है। टीचर्स कोर्स आई डी इक्वल्स टू कोर्स डॉट कोर्स आई डी, तो कोर्स टीचर एंड कोर्स आई डी, ठीक है। इन दोनों पे नेचुरल ज्वाइन करा हमने इसके, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करा उसको नेचुरल ज्वाइन करा इन दोनों के साथ, ठीक है। और उसके में फिर ये कंडीशन लगा दिया तो मिल गया, ठीक है। तो टीचर्स एंड कोर्स आई डी पे क्या लगा मेरा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कंडीशन लगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का नेचुरल ज्वाइन हो गया इंस्ट्रक्टर के साथ और जो आया उसमें से नेम एंड टाइटल मिल गया, ठीक है। नाउ अब कुछ एडिशनल बेसिक ऑपरेशंस है जो अभी तक हमने पढ़ा वो लाइक नॉर्मल रिलेशंस पे था, सिंगल टेबल रिलेशन पे, मल्टीपल टेबल रिलेशन पे। नाउ कुछ एडिशनल बेसिक ऑपरेशंस हैं जो टेबल्स पे होते हैं, जिसमें सबसे पहला है रीनेम ऑपरेशन। रीनेम ऑपरेशन करते हैं, कंसीडर अगेन द क्वेरी दैट वी यूज्ड अर्लियर, सेलेक्ट नेम कोर्स आईडी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एंड टीचर आईडी वेयर इंस्ट्रक्टर डॉट आई डी क्वेश्चन टीचर डॉट आई डी, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करा हमने इसमें से और इसमें नेम एंड कोर्स आई डी निकाल लिया। द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरी इज अ रिलेशन विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। तो इसमें जो टेबल बनेगा, ठीक है, जो भी टेबल आएगा तो इसमें दो रहेंगे, एक तो नेम रहेगा एक रहेगा कोर्स आई डी, दो एट्रीब्यूट रहेंगे, राइट। द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट्स इन द रिजल्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन ऑफ फॉर्म क्लास। तो जो रिलेशन था फॉर्म क्लास में वहां से नेम ये डिराइव हुआ है। SQL provide a way of renaming the attributes of the result relation, ठीक है। तो बेसिकली जो भी हमारे रिलेशन से जो नेम आया हम उसको चेंज कर सकते हैं या फिर कुछ नेम अलग से रख सकते हैं, ये SQL हमें प्रोवाइड करता है। दैट इज इट यूजेज एज क्लॉज, ठीक है, टेकिंग फॉर ओल्ड नेम एज न्यू नेम, ठीक है। तो बेसिकली जो भी जैसे नेम है तो नेम को मैं कुछ करता हूँ नेम एज स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो एज क्लॉज कैन अपियर इन बोथ सेलेक्ट एंड फ्रॉम क्लॉज, दोनों में ही अपियर हो सकता है, यानी कि इंस्ट्रक्टर एज टी जो हम लिखते थे, ठीक है। तो सेलेक्ट नेम एज इंस्ट्रक्टर नेम एंड कोर्स आईडी, ठीक है। तो नेम को मैंने इंस्ट्रक्टर नेम कर दिया एंड कोर्स आईडी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एंड टीचर वेट इंस्ट्रक्टर आईडी कस्ट टू टीचर आईडी, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। एज क्लॉज इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन रीनेमिंग रिलेशंस, ठीक है। तो रिलेशंस को रीनेम करने में इसका ज्यादातर यूज होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एज टी, टीचर्स एज एस, वेयर टी डॉट आई डी इक्वल्स टू एस डॉट आई डी, यानी कि इंस्ट्रक्टर की जगह मैंने टी लिख दिया एंड एस की जगह मतलब टीचर्स की जगह एस आई डी, ठीक है। इन दोनों में से क्या करना है, सेलेक्ट करना है टी डॉट नेम यानी इंस्ट्रक्टर का नेम एंड एस डॉट कोर्स आई डी जो को टीच कर रहा है उसका आई डी। अनदर रीजन टू रीनेम अ रिलेशन इन केस वेयर वी विश टू कंपेयर ट्यूपल्स इन सेम रिलेशन। तो सेम रिलेशन में अगर मेरे को ट्यूपल्स को मेजर करना है तो भी हम यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एज टी एंड इंस्ट्रक्टर एज एस, दोनों ही इंस्ट्रक्टर टेबल पे ही है। जैसे कि क्वेरी क्या है निकालना, फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्टर हुज सैलरी इज ग्रेटर देन एटलीस्ट वन इंस्ट्रक्टर इन बायोलॉजी डिपार्टमेंट। तो एटलीस्ट एक से बायोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई एक ऐसा हो जिससे उसकी सैलरी ज्यादा हो इंस्ट्रक्टर की, ठीक है। तो हम क्या कहें, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट टी नेम, तो बेसिकली क्या है यहां से पढ़ेंगे, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एज टी एंड इंस्ट्रक्टर एज एस वेयर टी डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन एस डॉट सैलरी, यानी एक इंस्ट्रक्टर का सैलरी दूसरे से ज्यादा हो एंड एस डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू बायोलॉजी, ठीक है। वहां से हमें क्या करना है, डिस्टिंक्ट टी नेम्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है।
नाउ ये तो था रिनेम का काम, ठीक है। अब नाउ दूसरा ऑपरेशन है, दैट इज स्ट्रिंग ऑपरेशन। तो हमारे पास कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशन भी हैं एसक्यूएल में, जिसे हम कहते हैं कि रिजेक्ट्स, अगर पाइथन में पता हो, जिसे हम क्या कहते हैं पैटर्न फाइंडिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ है, जैसे पैटर्न मैचिंग कैन बी परफॉर्म ऑन स्ट्रिंग यूजिंग द ऑपरेटर लाइक। तो हम लाइक ऑपरेटर का यूज करके पैटर्न फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक परसेंटेज, एक अंडरस्कोर। तो परसेंटेज कैरेक्टर क्या करता है, परसेंट कैरेक्टर मैच एनी सब स्ट्रिंग, ठीक है, एंड द अंडरस्कोर कैरेक्टर मैचेस एनी कैरेक्टर। तो अंडरस्कोर क्या करेगा, कोई कैरेक्टर को मैच कर सकता है, एंड जो परसेंटेज हो किसी सब स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग को मैच कर सकती है। तो जैसे कि एग्जांपल देखो, पैटर्न आर केस सेंसिटिव, दिस इज दैट इज अपर केस कैरेक्टर डू नॉट मैच विथ लोअर केस कैरेक्टर वाइस वर्सा। टू इलस्ट्रेट पैटर्न मैचिंग वी कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल, लेट्स से इंट्रो एंड परसेंट। तो मैचेस एनी स्ट्रिंग बिगनिंग विथ इंट्रो। तो अगर लेट्स से मेरा टेबल है, उसमें कुछ होगा जैसे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। तो जब मैं ये मैच करूंगा लाइक लिखूंगा लाइक इंट्रो परसेंटेज, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, मेरे को इस पर्टिकुलर क्वेरी के साथ मैच कर देगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग है और इसके बाद बाकी जो है ये सारा कुछ भी हो, ठीक है, अगर ये आगे के ये हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, रिजल्ट दे देगा, यानी कि बिगिनिंग विच इंट्रो हो रहा है, ठीक है, कोई भी वर्ड, तो उस रिजल्ट को मेरे को दे देगा। सिमिलरली अगर मैं कहूँ परसेंटेज कॉम परसेंटेज, तो कहीं भी बीच में कॉम्प आया होगा, कोई इधर वर्ड होगा, कोई इधर वर्ड होगा, बीच में कॉम्प है, तो ऐसे सारे वर्ड्स जिसके बीच में क्या कॉम्प होगा वो सारा सबस्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये अंडरस्कोर है, तो बेसिकली तीन अंडरस्कोर है, तो तीन कैरेक्टर्स वाले सारे वर्ड्स को वो दे देगा, रिटर्न करेगा, एंड एक दो तीन कैरेक्टर्स और परसेंटेज। तो कह रहे हैं तीन कैरेक्टर के बाद परसेंटेज है, मतलब तीन कैरेक्टर या तीन से ज्यादा कैरेक्टर, यानी एटलीस्ट तीन कैरेक्टर्स हो तो सबको रिटर्न कर देगा, ठीक है। SQL expresses pattern by using like comparison operator. तो like एक comparison operator है, तो जिसे हम कहेंगे select department name from department where building like percentage Watson percentage. तो basically building का name जो भी होगा जिसके बीच में Watson होगा, वो सारे building में से उसका department name दे देगा, ठीक है। SQL allows the specification of escape characters. ठीक है, escape characters भी use कर सकते हैं। Escape characters is used immediately before a special pattern character to indicate that the special pattern character is treated to like a normal character. तो basically escape character का use करके हम क्या करते हैं, basically किसी character को normal character की तरह treat करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि उसके लिए backslash use किया जाता है, तो जैसे कि a b backslash percentage and c d percentage। तो अगर let's say परसेंटेज का क्या मतलब था कि आगे की कोई भी स्ट्रिंग हो, ठीक है, पीछे भी कोई स्ट्रिंग हो, तो लेट्स से अगर इतनी की बात करूं, मैं सीडी की बात करूं, परसेंटेज सीडी परसेंटेज, तो इसका मतलब आगे कुछ हो, पीछे कुछ हो, बीच में सीडी होगा, ऐसा कुछ वर्ड होगा, तो रिटर्न करो। लेकिन मेरे को चाहिए कि ए बी परसेंट सीडी हो, ठीक है, तो ये परसेंट को यूज करने के लिए मेरे को इसको बैक स्लैश आगे यूज करना होगा, ठीक है। तो एस्केप बैक स्लैश मैचेस ऑल द बिगिनिंग विथ ये, तो ऐसे वर्ड से जो भी शुरू हो रहा होगा वो सारे वो दे देगा। सिमिलरली अगर ये कोई वर्ड होगा जैसे इसको कहना है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक डबल बैक स्लैश यूज करेंगे फॉर बैक स्लैश, ठीक है। नाउ एट्रीब्यूट स्पेसिफिकेशन इन सेलेक्ट क्लाउज। अब कुछ एट्रीब्यूट हैं, ठीक है, जो हम यूज करते थे, जिसमें सबसे पहला है एस्ट्रिक सिंबल, ठीक है। तो एस्ट्रिक सिंबल कैन बी यूज टू इन द सेलेक्ट क्लाउज टू डिनोट ऑल एट्रीब्यूट। तो मेरे को अगर कहना है जैसे सेलेक्ट ऑल, है ना, मेरे को सारे एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने, तो हम क्या करूंगा, स्टार यूज करूंगा, ठीक है। द यूज ऑफ इंस्ट्रक्टर डॉट स्टार इन दिस इन सेलेक्ट क्लाउज ऑफ क्वेरी, ठीक है। तो बेसिकली कहा क्या कह रहा है, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टीचर, जो है इंस्ट्रक्टर आईडी इक्वल्स टू टीचर आईडी है, सेलेक्ट इंस्ट्रक्टर डॉट स्टार। तो इंस्ट्रक्टर डॉट स्टार मतलब इंस्ट्रक्टर टेबल के सारे एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना, टीचर्स का नहीं, सिर्फ इंस्ट्रक्टर का, ठीक है। इंडिकेट्स दैट ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंस्ट्रक्टर हैज टू बी सेलेक्टेड। ए सेलेक्ट क्लाउज ऑफ form select a star indicates that all attributes of result relation in of form clause are selected. तो अगर सिर्फ star लिखता तो यहाँ पे क्या होगा, teacher इन दोनों के सारे attributes को select कर लेता। Next ordering, ठीक है, ordering the display of tuples. तो हम ordering को भी consider कर सकते हैं, तो order
अगर मैं चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट चाहता हूँ, तो वो भी मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ बाई यूजिंग ऑर्डर बाई। ठीक है, तो लेट्स जस्ट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर ऑर्डर बाई नेम। तो नेम के हिसाब से, क्योंकि मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं बताया यहाँ पे, तो क्या करेंगे बाई डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करता है। अगर मेरे को चाहिए कि नहीं ऑर्डर बाई डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैं नेम के बाद डी एस सी लिख सकता हूँ फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर एंड ए एस सी लिख सकता हूँ फॉर असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो कैन सॉर्ट मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, हम इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे ऑर्डर बाई डिपार्टमेंट नेम एंड नेम। तो पहले क्या करेगा कि डिपार्टमेंट नेम से शॉर्ट कर देगा मेरे को, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट नेम के अंदर जो भी आएगा उसको भी नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो हम मल्टीपल ऑर्डर्स को भी ले सकते हैं एट्रीब्यूट्स का। नेक्स्ट इज वेयर क्लाउज। वेयर क्लाउज एसक्यूएल इंक्लूड्स ए बिटवीन कंपेरिजन, ठीक है, ऑपरेटर। तो वेयर क्लाउज प्रेडिक्शन है ना, प्रेडिकेट्स। तो वेयर क्लाउज के अंदर क्या क्या प्रेडिकेट्स हैं, तो इसके अंदर हमारे पास एक बिटवीन क्लाउज है। ठीक है, तो जैसे कह रहा है कि फाइंड द नेम ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर विथ सैलरी $90,000 एंड $1,00,000। ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू $90,000 एंड लेस देन इक्वल्स टू $1,00,000। तो ये कह गया कि हम एक तरह से ये लिख सकते हैं इंस्टीड ऑफ दिस, है ना। जैसे कह रहा हम, अगर मेरे को नॉर्मली लिखना था तो मैं क्या लिखता, सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी इज लेस देन इक्वल्स टू, मतलब सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 1,00,000 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90,000। ठीक है, लेकिन इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट अ नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी बिटवीन 90,000 एंड 1,00,000। ठीक है, तो इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो सेम रिजल्ट आएगा। ओके, नाउ हम इस ट्यूपल्स कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वेयर क्लाउज के अंदर हम ट्यूपल्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट नेम एंड कोर्स आईडी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एंड टीचर्स वेयर इंस्ट्रक्टर डॉट आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू टीचर डॉट आईडी और बायोलॉजी। तो ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं रैदर देन राइटिंग दिस। यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर इंस्ट्रक्टर आईडी इक्वल्स टू टीचर आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू बायोलॉजी। मैं सीधा ये भी लिख सकता हूँ, ये भी मेरा वर्क कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इन ऑपरेटर। ठीक है, द इन ऑपरेटर अलाउ यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन वेयर क्लाउज। तो वेयर क्लाउज के अंदर एक और प्रेडिकेट क्या है, इन ऑपरेटर। तो अच्छा, जो वेयर क्लाउज के अंदर ये जैसे ये यूज होता है, इसको प्रेडिकेट्स कहते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी भी कमांड के अंदर, किसी भी क्लाउज के अंदर जो चीजें यूज हो रही है, जैसे स्टार था सेलेक्ट के अंदर, तो उसका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो इन अलाउज टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन वेयर क्लाउज। तो जैसे कि होगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर डिपार्टमेंट नेम इन कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो वो सारे इंस्ट्रक्टर्स के नेम दे देगा जो कि कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी से हैं। तो ऐसे करके हम इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर सेट ऑपरेशंस। तो कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि सेलेक्ट में हम अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कुछ ऑपरेशंस यूज करते हैं, जैसे सेट ऑपरेशंस एक नया टॉपिक है। ठीक है, तो सेट ऑपरेशन में जैसे कि अगर मेरे को एग्जांपल है कि फाइंड कोर्सेज दैट रन इन फॉल 2009 और इन स्प्रिंग 2010। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि 2009 के सारे कोर्सेज निकाल लूंगा, 2010 स्प्रिंग के सारे कोर्सेज लगा लूंगा और दोनों का यूनियन कर दूंगा। तो मेरे को सारे लिस्ट मिल जाएगी, है ना, कोर्सेज के जो इस ईयर एंड इस ईयर में हुए। ठीक है, तो जैसे कि पता ही है, और मेरा यूनियन ही होता है एक तरह से। ठीक है, तो सेलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम सेक्शन वेयर सेम इक्वल्स टू फॉल एंड ईयर इक्वल्स टू 2009 यूनियन विद सेलेक्ट कोर्स फ्रॉम सेक्शन वेयर सेम इक्वल्स टू स्प्रिंग एंड ईयर इक्वल्स टू 2010। सिमिलरली अगर मेरे को कह रहा है एंड, मतलब कि इंटरसेक्ट करना होता है। ठीक है, और बट नॉट तो एक्सेप्ट। ठीक है, तो ऐसे करके हम दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, ऐसे हम सेट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सेट ऑपरेशन यूनियन इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट ईच ऑफ द अबव ऑपरेशन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट्स डुप्लीकेट। तो जैसे पता है सेट थ्योरी में सेट्स में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, जब ये तीनों यूज करते हैं तो तीनों ऑटोमेटिकली हमें क्या करता है, डुप्लीकेट रिमूव करके दे देता है, तो हमें डिस्टिंक्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, टू रिटेन ऑल डुप्लीकेट्स यूज द कॉरस्पॉन्डिंग मल्टी सेट वर्जन यूनियन ऑल इंटरसेक्ट ऑल एंड एक्सेप्ट ऑल। तो ऑल अगर लगा देते हैं तो फिर क्या होगा, सारे डुप्लीकेट्स आ जाएंगे अगर अलाउ करना चाहते हो तो। नेक्स्ट नल वैल्यूज। ठीक है, तो नल वैल्यूज क्या होते हैं, इट इज पॉसिबल फॉर टपल्स टू हैव अ नल वैल्यू डिनोटेड बाय नल फॉर सम ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो नल सिग्निफाइज एन अननोन वैल्यू और दैट अ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। नल का क्या मतलब है कि लेट्स से एम्प्टी है, तो एम्प्टी नहीं होता, इसमें नल होता है। डेटाबेस में कोई एम्प्टी कॉलम नहीं होता, मतलब रो नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है, नल होते हैं। एम्प्टी की जगह नल होता है, जिसका मतलब क्या होता है, अननोन वैल्यू है या फिर वहां पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्विंग नल इज नल।
ठीक है, जैसे अगर कहूं 5 प्लस नल तो वो नल आएगा, ठीक है। किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ नल इज ऑलवेज नल, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना। और ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले बता रहा हूं मैं, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं कि रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन विद दिस इज ऑलवेज नल, द प्रेडिकेट इज नल, इज नल एक प्रेडिकेट है, ठीक है, कैन बी यूज्ड टू चेक फॉर नल वैल्यूज। तो नल वैल्यूज को चेक करना है तो फिर इज नल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी इज नल, सैलरी अगर एम्प्टी है तो वो सारे नेम्स को सिलेक्ट कर लेगा जिसकी सैलरी डिफाइन नहीं हुई अभी तक। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट फॉर नल वैल्यूज विद कंपैरिजन ऑपरेटर सच एज इक्वल्स टू लेस देन और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, वी नीड टू यूज इज नल और इज नॉट नल ऑपरेटर इंस्टेड। तो हमें कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो हमें पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम इज नल का यूज करें या फिर इज नॉट नल का, ओके। थ्री वैल्यूज ट्रू फॉल्स एंड अननोन, तीन वैल्यूज आएंगे। एनी कंपैरिजन विद नल रिटर्न्स अननोन, एनी कंपैरिजन विद नल रिटर्न्स अननोन, ठीक है। तो नल के साथ कोई भी कंपैरिजन करोगे तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा अननोन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, 5 लेस देन नल इज नल, नल नॉट इक्वल्स टू नल इज ऑल्सो नल, नल इक्वल्स टू नल इज ऑल्सो नल, ठीक है। थ्री वैल्यू लॉजिक यूजिंग द वैल्यू अननोन, ठीक है, दैट इज अननोन और ट्रू विल बी ट्रू, अननोन और फॉल्स विल बी अननोन, अननोन और अननोन विल बी अननोन। तो सिर्फ अननोन और ट्रू जो है वो सिर्फ ट्रू होगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे। एंड के साथ क्या है, ट्रू एंड अननोन इज अननोन, ठीक है, फॉल्स एंड अननोन इज फॉल्स, अननोन एंड अननोन इज फॉल्स। तो ट्रू एंड अननोन इज जो अननोन है, ठीक है, फॉल्स एंड अननोन इज फॉल्स, एंड नॉट अननोन इज अननोन ऑल्सो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने टिक कर दिया, इससे क्वेश्चन बनते हैं। पी इज अननोन इवेल्यूएट्स ट्रू इफ प्रेडिकेट पी इवेल्यूएट्स टू अननोन, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि पी यानी कि कोई वेयर क्लाउज इज अननोन, तो मतलब क्या है, ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो सच में अननोन वैल्यू है। नेक्स्ट, एसक्यूएल यूजेस द स्पेशल कीवर्ड नल इन अ प्रेडिकेट टू टेस्ट फॉर अ नल वैल्यूज, ठीक है। तो अगर मेरे को नल वैल्यूज चेक करनी है, ओके, तो हम क्या लिखेंगे, नल का यूज करेंगे, जैसे सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी इज नल, ठीक है, तो नल होगा तो सारे नेम्स रिटर्न करते हैं, तो हम नल का यूज करते हैं, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। तो एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेशन पता ही तुम्हें, तो ये सारे हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, जिसमें एवरेज होता है जो एवीजी यूज करते हैं, मिनिमम के लिए मिन यूज करते हैं, मैक्सिमम के लिए मैक्स, टोटल के लिए सम, एंड काउंट फॉर काउंट, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अगर सेलेक्ट एवरेज सैलरी, ठीक है, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, तो एवीजी और जैसे फंक्शन है, फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली काउंट, काउंट के अंदर डिस्टिंक्ट आईडी, तो आईडीज को मैंने अलग से डिस्टिंक्ट आईडी उठा लिया, उसको मैंने काउंट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही काउंट स्टार है, तो ये सबको काउंट कर देगा, ओके, कोर्सेस में से सारे को काउंट कर देगा, ओके। तो ऐसा कुछ था। तो एग्रीगेशन बाई यूजिंग ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का यूज करके भी हम एग्रीगेशन कर सकते हैं, जैसे ग्रुप बनाना होगा तो ग्रुप बाई डिपार्टमेंट मैंने कर दिया, तो इस पूरे टेबल को मैंने ग्रुप कर दिया बाई डिपार्टमेंट नेम। अब डिपार्टमेंट नेम में से मैं क्या करूँ, डिपार्टमेंट नेम चाहिए और एवरेज सैलरी चाहिए, एवीजी सैलरी एज एवरेज सैलरी, है ना, तो एवरेज सैलरी एक कॉलम बन गया, तो ये ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप करने के बाद मैंने हर एक ग्रुप का बेसिकली क्या कर लिया, एवरेज निकाल दिया, तो एवरेज सैलरी ऑफ ईच ग्रुप, तो यहाँ पे ये मिल गया मेरे को, ठीक है। और इसका क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एवरेज सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। As another example of aggregation of group of tuples, consider the query, find the number of instructors in each department who teaches a course in the spring 2010 semester. तो हम क्या करना है, हर एक डिपार्टमेंट में नंबर निकालना है, तो डिपार्टमेंट काउंट डिस्टिंक्ट आई डी एज इंस्ट्रक्टर काउंट, ठीक है, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर नेचुरल जॉइन टीचर, है ना, दोनों को नेचुरल ज्वाइन कर दिया, यानी कि दोनों को जो इक्वल था उसके ऊपर स्टैक कर दिया, एंड वेयर सेमेस्टर इज इक्वल टू स्प्रिंग एंड ईयर इक्वल टू 2010, और ग्रुप बाई डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट नेम से हमने ग्रुप कर दिया, तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर नेचुरल जॉइन टीचर, ठीक है, वेयर स्प्रिंग सेमेस्टर इज इक्वल टू स्प्रिंग ईयर इक्वल टू 2010, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट, तो पहले ग्रुप करो डिपार्टमेंट से, उसके बाद सेलेक्ट करो डिपार्टमेंट नेम, काउंट, और इसको ऐसे, तो यहाँ पे ये टेबल मिल जाएगी,
ठीक है। तो पढ़ना सीखो क्वेरी को, सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैसे पढ़ेंगे। पढ़ना सीख गए तो तुम्हें आ जाएगा क्वेरी सॉल्व करना। देन हैविंग क्लॉज है, फाइंड द नेम्स एंड एवरेज सैलरी ऑफ ऑल डिपार्टमेंट हुज एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 42,000। ओके, तो हैविंग क्लॉज, तो हैविंग का यूज कर सकते हैं हम इस ग्रुप बाय के अंदर ही। कंडीशन डालना है, मतलब ग्रुप बाय हमने कर दिया, अब ग्रुप बाय के बाद अगर कोई कंडीशन लगाना है, ठीक है, तो उस पर हम हैविंग का यूज करते हैं। तो हैविंग का यूज करने के लिए मेरे को ग्रुप बाय का होना जरूरी है, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना। तो डिपार्टमेंट ने एवरेज सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, अब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम कर दिया, उसके बाद हैविंग एवरेज सैलरी 42,000 ग्रेटर देन 42,000, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, सेलेक्ट नेम एंड एवरेज सैलरी, तो जिसका भी ये है, तो ग्रुप बाय करा, उसके बाद ये कंडीशन लगाया, उसके बाद जो आया उसमें से सेलेक्ट करा। नोट, प्रेडिकेट इन हैविंग क्लाउज आर अप्लाइड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, वेयर प्रेडिकेट इन वेयर क्लाउज आर अप्लाइड बिफोर फॉर्मिंग ग्रुप्स। हैविंग क्लाउज में क्या हो कि ग्रुप के बाद होता है यूज, जबकि वेयर क्लाउज में जो है वो ग्रुप बनने से पहले यूज होता है। इनके अगर वेयर पहले आया यहाँ पे तो ये पहले अप्लाई होगा देन ग्रुप बनेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हैविंग बोलते हैं तो पहले ग्रुप अप्लाई होगा देन ये होगा, ठीक है। टोटल ऑल सैलरीज, तो टोटल अगर निकालना है तो सम यूज करेंगे, ऐसे ही हम काउंट कर सकते हैं यूज, है ना, अबव स्टेटमेंट इग्नोर्स नल अमाउंट, ठीक है। तो सम क्या करेगा, नल अमाउंट को इग्नोर कर देगा, रिजल्ट इज नल इफ देयर इज नो नल अमाउंट, नो नॉन नल अमाउंट, ठीक है। ऑल एग्रीगेट ऑपरेशंस एक्सेप्ट काउंट इग्नोर्स टपल विथ नल वैल्यूज ऑन द एग्रीगेट एट्रीब्यूट। तो बेसिकली जितने भी एग्रीगेशन एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि जितने भी ये हैं, ये सब क्या करते हैं, नल को इग्नोर करते हैं, एक्सेप्ट दिस काउंट, काउंट नल को भी काउंट करते हैं। ओके, नाउ आई गेस हाँ, यहां तक हमारा वीक टू खत्म हो चुका है पूरा, ठीक है। नाउ वीक थ्री है, वीक थ्री में हम पूरा वीक थ्री नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली मैंने बनाया भी नहीं है वीक थ्री का पूरा, बट जितना है उतना हम अभी कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, नेस्टेड क्वेरी सब क्वेरीज, ठीक है। नेस्टेड सब क्वेरीज क्या होता है, क्वेरी के अंदर क्वेरी। एसक्यूएल प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर नेस्टिंग ऑफ सब क्वेरीज, अ सब क्वेरी इज अ सेलेक्ट फ्रॉम वेयर एक्सप्रेशन दैट इज नेस्टेड विथ अनदर क्वेरी। तो एक क्वेरी के साथ अनदर क्वेरी को क्या कहें, नेस्ट किया गया। तो जैसे कि यहाँ पे नेस्टिंग क्वेरी कैन बी डन बाई यूजिंग सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, यही सेम चीज का यूज करके, तो वेयर के अंदर हम एक और क्वेरी डाल देते हैं, ठीक है। एज फॉलोज, ए आई कैन बी रिप्लेस्ड बाई अ सब क्वेरी दैट जनरेट अ सिंगल वैल्यू, आर आई कैन बी रिप्लेस्ड विथ एनी वैलिड सब क्वेरी, एंड पी कैन बी रिप्लेस्ड विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म बी ऑपरेशन सब क्वेरी, ठीक है। तो बेसिकली क्या करें, हम यहाँ पे भी सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हम सेलेक्ट में भी सब क्वेरी लिख सकते हैं, फ्रॉम में भी सब क्वेरी लिख सकते हैं, वेयर में भी सब क्वेरी लिख सकते हैं, ये क्या है। अब जो नेस्टेड सब क्वेरीज है उसके अंदर भी कुछ चीजें आती हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, सेट मेंबरशिप, ठीक है। तो एसक्यूएल अलाउ टेस्टिंग ट्यूपल्स फ्रॉम फॉर मेंबरशिप इन अ रिलेशन। तो एसक्यूएल क्या करता है, टेस्ट करने के लिए ट्यूपल्स को मेंबरशिप इन अ रिलेशन, ठीक है, ये अलाउ करता है। द इन कनेक्टिव टेस्ट फॉर अ सेट मेंबरशिप वेयर द सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज प्रोड्यूस्ड बाई सेलेक्ट क्लॉज। तो बेसिकली इसको पढ़ लेना, ये चीज में समझाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है तुम्हें, ठीक है। हम डायरेक्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। तो कह रहा है, फाइंड कोर्सेज ऑफर्ड इन फॉल 2009 एंड स्प्रिंग 2010। याद है इंटरसेक्टिंग वाला एग्जाम्पल ऊपर जो हमने कहा था, जिसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हालांकि इंटरसेक्ट वाला ठीक है करना, बट उससे शायद ये शॉर्ट पड़ेगा, ठीक है। दैट इज सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, तो हम पढ़ते कैसे हैं, ऐसे पढ़ते हैं ना, फ्रॉम सेक्शन वेयर सेमेस्टर इक्वल्स टू फॉल, ईयर इक्वल्स टू 2009 एंड कोर्स आईडी इन, यानी कोर्स आईडी किस में हो, कोर्स आईडी हो फ्रॉम सेक्शन वेयर स्प्रिंग हो और 2010 हो, उसमें से सारे कोर्स आईडी, ठीक है। तो कोर्स आईडी, तो ये जो कोर्स आईडी है वो इस कंडीशन पे आ गया सारा, है ना, तो वही कोर्स आईडी आएंगे जो ये कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ वो कोर्स आईडी आ गया, ठीक है, उसमें से भी क्या करना है, ये वाले निकालने, कोर्स आईडी निकालने हैं जो जिसका सेमेस्टर फॉल हो एंड ईयर 2009 हो, तो वो सबको निकाल के उसका कोर्स आईडी दे दो, ठीक है, समझ में आया। तो ये में है एंड
इसमें, तो एंड ऑपरेशन है यानी इंटरसेक्ट है. ओके, नाउ फाइंड द कोर्सेज ऑफर्ड इन 2009 बट नॉट इन 2010. तो एक्सेप्ट वाला है तो अगेन जो उसमें से स्प्रिंग 2010 में नहीं है वो लेंगे नॉट इन करके, और नॉट इन करके उसमें से फिर वो ले लेंगे जो फिर फॉल और 2009 में आया. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टूडेंट हु हैव टेकन कोर्स सेक्शन डाउट बाय द इंस्ट्रक्टर विद आईडी दिस. तो वो टोटल निकालना है तो अगेन काउंट निकालना है मेरे को, है ना, टोटल पूछ लिया तो काउंट निकालना है. अगेन वही वेयर कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी, सेमेस्टर एंड ईयर, ये जो चारों चीज है वो इसमें हो, है ना, यानी कि वो चारों चीजें किसने बताया हो, टीचर आईडी ने पढ़ाया हो, उसमें से मेरे को क्या करना है, डिस्टिंक्ट आईडी को काउंट करना है. नोट, एवर क्वेरी कैन बी रिटर्न इन सिंपल मैनर, जैसे कि मैंने बताया यूनियन एक्सेप्ट एंड जो वो चीजें हैं इंटरसेक्शन. द फॉर्मूला एवर बी सिंपली टू इलस्ट्रेट द एसक्यूएल फीचर. तो एसक्यूएल फीचर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए यानी कि नेस्टेड क्वेरी में हम लिख सकते हैं, बट जरूरी नहीं है तुम लिखो, ठीक है, तुम इजी मेथड यूज करो ऑलवेज. नाउ सेट कंपैरिजन है. एज एन एग्जांपल ऑफ एबिलिटी ऑफ नेस्टेड सब क्वेरी टू कंपेयर सेट, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी, दैट इज फाइंड द नेम ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्टर हु सैलरी इज ग्रेटर देन एट लीस्ट वन इंस्ट्रक्टर इन द बायोलॉजी डिपार्टमेंट. तो एटलीस्ट एक इंस्ट्रक्टर जो होगा बायोलॉजी डिपार्टमेंट उससे ज्यादा होनी चाहिए, वो सारे इंस्ट्रक्टर की सैलरी निकालो. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एज टी एंड इंस्ट्रक्टर एज एस, वेयर टी डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन एस डॉट सैलरी, एस डॉट डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू बायोलॉजी, उसमें से क्या करना है, डिस्टिंक्ट टी नेम को सर्च करना है. ठीक है, ये एक क्वेरी हो गया. नाउ एसक्यूएल डज हाउएवर ऑफर एन अल्टरनेट स्टाइल फॉर राइटिंग द प्रोसीडिंग क्वेरी. तो इसी को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, दैट इज द क्वेरी फिल ग्रेटर देन एटलिस्ट जो है, ठीक है, यानी ग्रेटर देन एटलिस्ट जो आया यहाँ पे जो आया ग्रेटर देन एटलिस्ट, तो इसके लिए हम इसको ग्रेटर देन सम का यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन सम. तो क्वेरी क्या होगा, सेलेक्ट अ नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी ग्रेटर देन सम सैलरी फ्रॉम बायोलॉजी डिपार्टमेंट. ठीक है, तो ग्रेटर देन सम मतलब कि क्या है, ग्रेटर देन एटलिस्ट वन, ये हो जाएगा ग्रेटर देन सम. सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, लेस देन सम होता है, लेस देन इक्वल्स टू सम होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम होता है, इक्वल्स टू सम होता है, नॉट सम होता है. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. ठीक है, एज एन एक्सरसाइज वेरीफाई दैट इक्वल्स टू सम इज आइडेंटिकल टू इन एंड वेयर एज नॉट सम इक्वल्स इज नॉट द सेम एज नॉट इन. तो बेसिकली ये एक्सरसाइज है, तुम परफॉर्म करो. लेट अस फाइंड द नेम ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर दैट हैव अ सैलरी वैल्यू ग्रेटर देन दैट ऑफ ईच इंस्ट्रक्टर इन द बायोलॉजी डिपार्टमेंट. पहले एक से था, अब हर एक से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, तो ग्रेटर देन ऑल का यूज कर लेंगे, वहां पे सम था यहाँ पे ऑल आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली लेस देन ऑल होता है, लेस देन इक्वल टू ऑल होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल होता है, इक्वल टू ऑल होता है, नॉट इक्वल टू ऑल होता है. तो यहाँ पे भी देखो कि नॉट इक्वल टू ऑल इज इक्वल टू नॉट इन. ठीक है, वेयर एज ये सेम नहीं. ठीक है, द एग्जिस्ट कंस्ट्रक्टर एक और है एग्जिस्ट करके. तो जैसे कि यहां पे देखो ये जो यूज हुआ है एग्जिस्ट. ठीक है, रिटर्न द वैल्यू ट्रू इफ आर्ग्यूमेंट सब क्वेरी इज नॉट एम्प्टी. अगर सब क्वेरी जो है अगर नॉट एम्प्टी है तो वो ट्रू रिटर्न करता है एग्जिस्ट, है ना. तो जैसे कि एग्जाम्पल है फाइंड ऑल कोर्सेज डाउट इन फॉल 2009 सेमेस्टर एंड स्प्रिंग एंड इन स्प्रिंग 2010. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि वो सारे कोर्सेस जो डाउट किए गए 2009 सेमेस्टर में और स्प्रिंग 2010 सेमेस्टर में वो निकालने. तो सिलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम सेक्शन एस वेयर सेमेस्टर इक्वल्स टू फॉल ईयर इक्वल्स टू 2009 एंड एग्जिस्ट इन सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम सेक्शन टी. ठीक है, वेयर सेमेस्टर इक्वल टू स्प्रिंग ईयर इक्वल्स टू 2010 एंड. तो वो सारे कोर्सेज जो इसमें एग्जिस्ट कर रहे थे और जो अभी यहां भी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे दे दो. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, कोरिलेशन नेम एंड कोरिलेशन सब क्वेरी. तो कोरिलेशन नेम क्या है, वेरिएबल एस, यानी ये जो एस है एक कोरिलेशन नेम होगा, और कोरिलेटेड क्वेरी क्या है, ये पूरा इंटरनल क्वेरी. नाउ फाइंड ऑल स्टूडेंट हु हैव टेकन ऑल कोर्सेज ऑफर्ड इन बायोलॉजी डिपार्टमेंट. बायोलॉजी डिपार्टमेंट में जितने भी कोर्सेज है ऑफर हुए हैं वो निकालने हैं. ठीक है, ऑल. तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एस आई डी एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट एज एस वेन नॉट एग्जिस्टिंग, ये एक्सेप्ट ये. ठीक है, तो ये सारे
जो बायोलॉजी है, ठीक है, जहां कोर्स आईडी और मतलब टेक्स स्टूडेंट आईडी और टेक्स टी आईडी इक्वल्स टू है, उसमें से एक्सेप्ट है ना ये सारे, और उसमें से वो सारे एग्जिस्ट चूज करो जो इस पर्टिकुलर चीज में नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है। तो फर्स्ट नेस्टेड क्वेरी लिस्ट ऑल द कोर्स ऑफर्ड इन बायोलॉजी, तो ये सारे बायोलॉजी वाले कोर्सेज करेगा। सेकंड नेस्टेड क्वेरी लिस्ट ऑल द पर्टिकुलर स्टूडेंट टुक, ठीक है, ऑल कोर्सेज अ पर्टिकुलर स्टूडेंट टुक, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो कोई कोर्स लिया वो सारे निकालेगा ये, अब इन दोनों को एक्सेप्ट करेगा, है ना, कि वो सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, ठीक है, कोर्स आईडी जो कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने नहीं लिया है, उसमें से वो है वो नहीं एग्जिस्ट, उसमें से वो सारे स्टूडेंट आईडी एंड एस नेम यूज निकालो जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे करके भी हम क्वेरीज लिख सकते हैं, यानी कि क्वेरी के अंदर नेस्टेड क्वेरी के अंदर नेस्टेड क्वेरी ऐसे भी। देन हमारे पास यूनिक होता है, यूनिक कंस्ट्रक्ट टेस्ट वेदर सब क्वेरी हैज एन एनी डुप्लीकेट ट्यूपल्स इन इट्स रिजल्ट, ठीक है। तो यूनिक का यूज कर सकते हैं टू फाइंड ऑल यूनिक वैल्यूज, ठीक है, मतलब डिस्टिंक्ट का काम भी कर सकते हैं सब क्वेरी के यूज करके। नाउ सब क्वेरीज इन द फॉर्म क्लाउज, फॉर्म क्लाउज के अंदर सब क्वेरीज कैसे हैं, सब क्वेरीज अलाउ अ सब क्वेरी एक्सप्रेशन टू बी यूज्ड इन फ्रॉम क्लाउज। तो हमने सेलेक्ट क्लाउज देख लिया, अब फ्रॉम क्लाउज के मतलब अभी जितना भी था ये सेलेक्ट क्लाउज वेयर क्लाउज के अंदर यूज हो रहा था, राइट। अब मैं कह रहा हूं कि फॉर्म क्लाउज के अंदर सब क्वेरीज कैसे यूज करते हैं, तो ऐसा कुछ यूज करते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट एंड एवरेज फ्रॉम, क्योंकि हम फ्रॉम एक रिलेशन से है, तो रिलेशन को हम एज अ क्वेरी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक टेबल देगा, टेबल आएगा और टेबल इज नथिंग बट अ रिलेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज तुम समझ रहे हो। नो दैट वी डू नॉट नीड टू यूज द हैविंग क्लाउज, अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो हैविंग क्लाउज यूज करने की जरूरत नहीं। अगेन यहाँ पे भी देखो सेम। नाउ एक और क्लाउज है, दैट इज विथ क्लाउज, ठीक है। विथ क्लाउज क्या करता है, विथ क्लाउज प्रोवाइड अ वे ऑफ डिफाइनिंग अ टेम्पररी रिलेशन, हम एक टेम्पररी रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग विथ, ठीक है। तो विथ दिस, तो एक रिलेशन बना दिया हमने विथ, अब इस विथ का यूज करके हम कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो ऐसे करके हम विथ क्लाउज का यूज करते हैं। तो यहां पे देखो अगर विथ के साथ कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी है, तो हमने क्या किया, विथ से एक रिलेशन बनाया जो कि कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, और उसमें से हमने डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट कर लिया विथ सम कंडीशन। नाउ ये तो था डिफाइनिंग का, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डेटा का, ठीक है। तो डिलीशन मॉडिफिकेशन सबसे पहले क्या था, डिलीशन, डिलीशन के लिए डिलीट ऑल इंस्ट्रक्टर करना, डिलीट फ्रॉम, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। जहाँ पे हम यहाँ पे भी जैसे सेलेक्ट करते थे, सेलेक्ट के लिए सेलेक्ट फ्रॉम एंड वेयर, ऐसे डिलीट फ्रॉम वेयर, ठीक है, ये चीजें भी यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एज वी डिलीट टपल्स फ्रॉम डिपोजिट द एवरेज सैलरी चेंजेस, तो अगर लेट से ये कर रहा है, ठीक है, डिलीट ऑल इंस्ट्रक्टर्स हुज सैलरी इज लेस देन एवरेज सैलरी ऑफ इंस्ट्रक्टर, तो ऐसा कुछ करेंगे तो क्या करें, डिलीट करेगा इंस्ट्रक्टर से जिसका सैलरी कम है, तो जैसे एवरेज सैलरी क्योंकि सबका काउंट करके मिला है, ठीक है, तो जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो यहाँ एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि एवरेज सैलरी कम हो गया, तो कंडीशन चेंज होती जा रही है, राइट। सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट कंप्यूट एवरेज एंड फाइल ऑल टपल्स टू डिलीट, ठीक है, नेक्स्ट डिलीट ऑल टपल्स फाउंड एवर विदाउट रिकम्प्यूटिंग एवरेज और रीटेस्टिंग द टपल। तो बेसिकली इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन क्या है कि पहले सारे एक विथ कमांड का यूज करके वो सारे निकाल लो जिसकी सैलरी कम हो, और उसमें से सारे फिर इंस्ट्रक्टर को डिलीट कर दो। सिमिलरली इंसर्शन है, तो इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट इन टू, तुम्हें पता ही है इंसर्ट इन टू का यूज करके कैसे हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इंसर्ट इन टू स्टूडेंट, तो इंसर्ट इन टू कोर्स हो गया, इंसर्ट इन टू स्टूडेंट हो गया, ऐसे करके तुम इंसर्ट भी कर सकते हो डेटा। द सेलेक्ट फ्रॉम वेयर स्टेटमेंट इज इवेल्युएटेड फुल्ली बिफोर एनी ऑफ इट्स रिजल्ट आर इंसर्टेड इन द रिलेशन, ठीक है। देन अपडेट है, तो अपडेट को भी यूज करते, इंक्रीज सैलरी ऑफ इंस्ट्रक्टर हुज सैलरी इज ओवर 1 लाख बाय 3% एंड ऑल अदर बाय 5%, तो जिसका 1 लाख से ऊपर है उसकी सैलरी 3% से इंक्रीज करनी है, और जो उससे बाकी सब जो बच के उसके 5% थे। इसके करने के दो तरीके हैं,
एक तो ये लिखो अपडेट इंस्ट्रक्टर सैलरी सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी इनटू 103 वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन। तो सेट यहाँ पे यूज करें, सेट के लिए हम क्या कहें, सेट से बेसिकली हम कुछ नया अगर सेट करना चाहते हैं एट द प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड तो हम ये यूज करते हैं सेट का, ठीक है। तो पहले तो एक क्वेरी हम ये रन करेंगे, दूसरी क्वेरी ये रन करेंगे, ठीक है। ऐसे करके अपडेट कर सकते हैं, या फिर इसका अपडेट करने का एक और तरीका है जिसमें हम बोलते हैं जैसे इफ एल्स मेथड जो है, तो यहाँ पे इफ एल्स की जगह होता है केस एल्स, ठीक है, केस व्हेन एल्स। तो केस बेसिकली क्या है, केस के अंदर हम इफ एल्स कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपडेट इंस्ट्रक्टर सेट सैलरी इक्वल्स टू केस, केस क्या है कि जब सैलरी लेस देन 1 लाख है तो सैलरी को 1.05 से मल्टीप्लाई करना है, एल्स सैलरी को 1.03 से मल्टीप्लाई करना है, एंड केस लिखा है तो केस के बाद हमको एंड करना पड़ेगा केस को, तो एंड हम लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली इस चीज का भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। सम अपडेट स्टूडेंट एस सेट टोटल क्रेडिट इक्वल्स टू, मतलब ये क्या है, रिकम्प्यूट एंड अपडेट टोटल क्रेडिट वैल्यू फॉर ऑल स्टूडेंट, तो कुछ रिकम्प्यूट करना है हमें, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, ग्रेड्स को रिकम्प्यूट करना है। फिर कह रहा है कि सेट टोटल क्रेडिट्स टू नल फॉर स्टूडेंट हु हैव नॉट टेकन एनी कोर्स, तो यहां से केस यूज कर सकते हो, व्हेन सम ऑफ क्रेडिट इज नॉट नल देन सम क्रेडिट एल्स जीरो, ठीक है। तो ऐसे करके बेसिकली वीक 3 का भी हम आधा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आधा जो बच गया वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर मेरी एफर्ट्स तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।